25 नवंबर 2021 को सेंट्रल रेलवे की मुंबई डिवीजन ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 50 रुपये से घटाकर 10 रुपये करने का ऐलान किया। इसके बाद देशभर में अलग अलग रेलवे जोन ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत को 10 रुपये कर दिया था। प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ाने पर रेलवे का तर्क था कि इससे कोरोना संकट के दौरान प्लेटफॉर्म पर आने वाली अनावश्यक भीड़ को रोका जा सकता है। अब प्लेटफॉर्म टिकट को लेकर एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें कहा गया है कि अगर आपके पास सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट है तो आप ट्रेन में यात्रा भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज सिटी लाइव ने वायरल दावे को पोस्ट कर लिखा, अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है तो भी आपके पास सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ने का अधिकार है, लेकिन इसके बाद आपको TTE से तुरंत संपर्क करना होगा। आप TTE के पास जाकर अपना टिकट बनवा सकते हैं। सोशल मीडिया से अलग कुछ मीडिया संस्थानों ने भी सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट से यात्रा करने वाली खबर को प्रमुखता से छापा और दिखाया भी। द लल्लन टॉप ने वायरल दावे की पड़ताल की। हमारी जांच में ये वायरल दावा भ्रामक निकला। फिलहाल रेलवे ने ऐसी कोई भी नियम नहीं बनाया है जिससे आप सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट के आधार पर ट्रेन में यात्रा कर सके। वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने भारतीय रेलवे की वेबसाइट का रुख किया। रेलवे ने अपनी वेबसाइट पर प्लेटफॉर्म टिकट के बारे में अंग्रेजी में लिखा है, जिसका हिंदी में मतलब कुछ ये है। प्लेटफॉर्म टिकट या प्लेटफॉर्म पास परमिट आपको किसी ट्रेन या डिब्बे में रहने का अधिकार नहीं देता है। वायरल दावे की पड़ताल के लिए हमने नदन रेलवे के CPRO दीपक कुमार से भी संपर्क किया। दीपक ने हमें बताया, प्लेटफॉर्म टिकट लेकर रेल में यात्रा करने वाली खबर गलत है। अभी रेलवे की तरफ से ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई व्यक्ति सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट लेकर यात्रा कर सकता है। दीपक से हमने वायरल दावे में प्लेटफॉर्म टिकट से यात्रा करने के प्रोसेस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, कोविड से पहले अधिकतर गाड़ियों में अनरिजर्व यानी जनरल डिब्बे होते थे। तब ये गाइडलाइन थी कि आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर गार्ड से संपर्क कर सकते थे, फिर गार्ड आपको TTE के पास भेज देता था। अगर TTE के पास कोई सीट खाली होती थी तो आपको वो सीट उपलब्ध करा दी जाती थी, लेकिन अगर सीट खाली नहीं होती थी तो यात्री को अगले स्टेशन पर उतार दिया जाता था। ऐसा सिर्फ अनरिजर्व्ड डिब्बों में ही होता था, रिजर्व डिब्बों में नहीं। कोविड के बाद सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कई गाड़ियों से जनरल डिब्बे को हटा दिया गया। अब आप सिर्फ रिजर्व सीट पर ही यात्रा कर सकते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म टिकट लेकर यात्रा करने वाली कोई गाइडलाइन नहीं है। हमारी पड़ताल में वायरल दावा भ्रामक साबित हुआ। हमने स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट के आधार पर आप रेल यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन में प्लेटफॉर्म टिकट के साथ पाए जाते हैं तो आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आपके लिए पड़ताल की थी हमारे साथी अंशुल ने। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया। कौन से सवाल का जवाब है यूपी? कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी? बवाल, कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी? किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी? खुशहाल, बदहाल या बहरहाल है यूपी? बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी?